Dear students, I'm Professor J.C. Lal from ELT Plus. In this video today, I'm going to teach you the use of English language as a communication skill. मैं काफी सालों से खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ाता रहा हूँ. I have a vast experience of many years as a teacher of English language and literature. अपने experience के आधार पर मैं आपको basics of English से शुरुआत करूँगा. आज के दौर में जब बहुत सारे students, young people, सारे हिंदुस्तान से especially from पंजाब बाहर जा रहे हैं, English as a language of communication has become very important for them. I've been abroad many times. मैंने वहां जाके देखा है, a number of students find it difficult to say what exactly they want to say. And if they speak in a wrong manner. When I say wrong manner, I don't mean grammatically wrong. The sentences are correct, but badly spoken. Considering this thing, that it's become very important for students to understand the use of English language, I thought I should start with basics. I would like to put it in very simple language, rather vernacular language. ये जानते हुए कि यंग लोग जो हैं, उनको चाहे वो अपने देश में रहें, चाहे बाहर जाएं, इस बात का एहसास होना चाहिए कि द यूज ऑफ इंग्लिश हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बाहर जाते हैं और भी ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, इवन ए माइनर जॉब. यहां इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी अपने सब्जेक्ट में वो माहिर होते हैं, लेकिन उनको बात करना नहीं आता. यू हैव टू सेल योर सेल्फ. व्हेन आई से सेल योर सेल्फ, इट मीन्स यू हैव टू कैरी योर सेल्फ विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस में भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाना बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस डजंट मीन कि यू आर वेल ड्रेस्ड. कॉन्फिडेंस डजंट मीन यू कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड और यू आर हाईली एजुकेटेड. कॉन्फिडेंस मीन्स आपके अंदर जो भी काबिलियत है, आप किस तरह से मार्केट में आपसे रिलेटेड जो फील्ड है वहां पर भाषा के प्रयोग द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, राइट बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किस तरह से अपने आप को आप बेच पाते हो, उसके लिए हमें बेसिक्स से शुरू करना होगा. मैं ये बात भी बता दूं आपको, जो कुछ मैं करवाऊंगा इस वीडियो में, आप कहेंगे ये तो हमें आता है, बट माई जॉब इज, अगर आपको आता है आपको बेहतर आए, अगर आपको नहीं आया आता तो आपको आए. In English, I would say, if you know it, my job is to help you know it better. If you don't know it, I'll try that you know it. Therefore, I start with the first lesson, that is forms of sentences. अब इसे कुछ लोग पूछेंगे, ये ऐसे sentences तो रोजाना जिंदगी में बोलते हैं, ये समझने की क्या जरूरत है? देखिए, रोजाना जिंदगी में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, भाई सब कैसे हैं, ठीक हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आर यू स्टडीइंग, यस. ये होते छोटे छोटे सेंटेंस, सिचुएशन के मुताबिक हम लोग बोलते हैं. जब बच्चे बोलते हैं, माँ बाप कहते हैं बच्चे को बहुत अंग्रेजी आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब किसी की कही गई बात को आपने रिपोर्ट करना है, या आपने कुछ एक सेंटेंसेस एक सिचुएशन में इकट्ठे बोलने हैं, वहां आपको प्रॉब्लम आती है. वहां फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना बहुत जरूरी है. इफ यू रिपोर्ट द स्पीच ऑफ व्हाट समबडी सेड, यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, अदरवाइज you will confuse yourself as well as the listener.
मैं और भी सिंपल कर देता हूँ। आप लोग स्कूलों में पढ़ते रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप लोग पढ़ते रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। भाई जिनको फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं आते उनको ना नरेशन आएगा ना फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके पीछे एक सवाल है, वेयर इज ही गोइंग, कहां जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली। पर जब आप ये कहते हैं उसने मुझे बताया मैं दिल्ली जा रहा हूं, और इसको आप किसी और को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे उसने बताया मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं तो आप हो गए। यू विल नॉट से इवन इन इंग्लिश ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है। करेक्टली उसकी बात को रिपोर्ट करने के लिए जरूरी है आप फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस को समझे। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, ये एक सेंटेंस बन गया। मैं उसकी स्पीच को, उसने जो कुछ कहा रिपोर्ट कर रहा हूं और रिपोर्ट वेरी करेक्ट भी कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिस इज रॉन्ग, आई एम रिपोर्टिंग द स्पीच इन ए रॉन्ग मैनर, देयरफॉर आई शुड होप कि मैं आपको जो बात आपकी भाषा में समझा रहा हूं सिंपल तरीके से आप उसे समझ पा रहे हैं। काइंडली व्हेन यू सिट अलोन क्लोज योर आईज, मेडिटेट, ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड, रिवाइंड, गो बैक, लिसन अगेन, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू और आई हैव टोल्ड यू। देखो एज आई हैव टोल्ड यू फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। सारी दुनिया में, सारे समाजों में 5 तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। इंग्लिश आई वुड से इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन ऑल द सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज, बेसिकली 5 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस आर स्पोकन एंड रिटन। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो भाई क्या आप सुन रहे हो, अगर जापानीज भाषा में बात करेंगे तो वहां कहेंगे आप सुन रहे हो क्या, क्या आखिर में आएगा। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है जापानीज में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी ऐसा हो सकता है, वो स्ट्रक्चर है। लेकिन बेसिकली फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है ना वो इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछने का है। तो पहला फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है जिसके बारे में बात करूंगा आपको, दैट इज स्टेटमेंट सेंटेंस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आपको अगर याद होगा स्कूल डेज आपको टीचर ने करवाया था असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। अमेरिकन लोग इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए एप्लीकेशन लिखते थे आप, आई बेग टू स्टेट, आई बेग टू से, असर्ट कहना, अपने आप को कुछ कहने के लिए तैयार करना, डिक्लेयर, डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करना, तीनों का मीनिंग सेम। ऐसे सेंटेंसेस जो है स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो कुछ कहते हैं, कहते का मीनिंग ये है दे पास ऑन सम इंफॉर्मेशन, आपको कोई सूचना देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। आप लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई बुक, मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बाई ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ। आप कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं। स्टेट करना मीन्स क्या है, दैट मीन्स टू से, टू टेल। जो आप कहते हैं यहां में ये नाम है, चाहे उसके पीछे एक सवाल छिपा होता है। मैं कहता हूं आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, आई पास यू ऑन सम इंफॉर्मेशन, उसके पीछे एक सवाल है। सवाल क्या है भाई, कितने बजे उठते हो, When do you get up in the morning? I get up at 6 in the morning.
तो क्या हुआ? स्टेटमेंट सेंटेंसेस इन शॉर्ट इन अ फ्यू वर्ड्स पास ऑन सम इंफॉर्मेशन. स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो हैं जो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं. स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, उसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, जिसको आप स्कूलों में एफर्मेटिव बोलते रहे हो. आई शैल अप्रिशिएट इफ यू ट्राई गुड लिसनर्स. इफ यू ट्राई टू बी गुड लिसनर्स, इफ यू आर ए गुड लिसनर, यू आर ए गुड स्पीकर. बिकॉज अंग्रेजी बोलने का सिंपल सा तरीका है, द मोर यू लिसन द बेटर यू स्पीक. लिखने का तरीका भी सिंपल है, द मोर यू रीड द बेटर यू राइट. आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे, आप सुनेंगे तो बोलेंगे. आई रिमेम्बर माई डेज व्हेन आई वाज ए किड, मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी. मुझे पता था ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ गले में अटक जाता था. मैंने बड़ा सोचा क्या करूं, आई थिंक आई एम ए वेरी गुड लिसनर. हमारे जमाने में रेडियो पर शेक्सपियर के प्लेज आते थे 3:30 बजे. हम किताब खोल के वो प्ले सुनते थे, रेडियो प्ले. उसमें क्या होता था, एक सेंटेंस को एक कैरेक्टर कैसे बोल रहा है, कहीं वो बता रहा है, कहीं पूछ रहा है, कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं ऑर्डर कर रहा है, कहीं एडवाइस कर रहा है, कहीं प्रपोज कर रहा है, कहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कहीं किसी को दुआ दे रहा है, बददुआ दे रहा है. तो हमें पता था ये सेंटेंस कौन सा है, लेकिन उनका बोलने का तरीका जो था ना, वो सुन सुन के सीखा. आई वॉच लॉट ऑफ मूवीज, आई वॉज अ गुड लिसनर. कोई भी, और लकीली आई मस्ट एडमिट, हैट्स ऑफ, आई हैड वंडरफुल टीचर्स, एवरेज स्कूल्स बट वंडरफुल टीचर्स. इन कॉलेज ग्रेट टीचर्स, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे बोलते थे. यूनिवर्सिटी में गए, आई एम प्रोडक्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां तो बात ही और थी. जब टीचर्स बोलते थे, हम देखते रहते थे कैसे बोल रहे हैं, यू नो. और फिर हॉस्टल में अपने कमरे में आकर हम वी वुड प्रैक्टिस शीशे के सामने कि उन्होंने कैसा ये सेंटेंस बोला था. दिस इज वॉट हैपन्स. आई वॉज अ गुड रीडर एंड ए गुड लिसनर. दैट वे यू नो, स्टेटमेंट सेंटेंसेस मैंने आपको बोला दो तरह के हो गए, स्टेटमेंट पॉजिटिव, जिसको हम स्टेटमेंट अफर्मेटिव, आई वॉन्ट टू अफर्म और आई अफर्म, मैं कहता हूं, हाँ मैं कहता हूं. स्टेटमेंट नेगेटिव नाम है, इन शॉर्ट वन सेंटेंस इज कमिंग. स्टेटमेंट पॉजिटिव, ही इजंट कमिंग. आप कहेंगे ही इज नॉट कमिंग, रॉन्ग. नॉट कहां बोलना है ये मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा. शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, ही इजंट कमिंग. पॉजिटिव नेगेटिव. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. इन केस यू हैव सम डाउट लेटर ऑन वन ऑफ माई वीडियोज, आई शैल गिव यू अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस टू कंप्लीट. उसमें पता चल जाएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है. आपकी प्रैक्टिस हो जाए. बट अगेन आई रिपीट, आप जितना अच्छी तरह से सुनोगे, जरूरी नहीं मुझे, मार्केट में जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, बाय ट्रेन सफर कर रहे हो, कहीं भी जाते हो, बाय प्लेन जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, कोई भी अच्छा बोलने वाला मिल जाता है, ट्राई, बी रेडी टू कमिट मिस्टेक्स, बट बी रेडी टू करेक्ट योरसेल्फ. नहीं समझ में आता किसी से पूछ लो. जो आदमी मिस्टेक्स कमिट करने से डरता है, वो कुछ भी नहीं सीखता. हमने भी बड़ी मिस्टेक्स कमिट की हैं, बट वी हैव लर्न्ड. व्हाट मेक्स वन मैन डिफरेंट फ्रॉम द अदर इज वन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, द अदर डज नॉट. दोनों ही दे कमिट मिस्टेक्स. सो देखो, स्टेटमेंट सेंटेंस मैंने बोल दिया दो तरह के हुए. पहला, स्टेटमेंट सेंटेंस कोई इंफॉर्मेशन पास करता है, और वो इंफॉर्मेशन हाँ वाली होती या ना वाली होती. इन इंग्लिश आई वुड से स्टेटमेंट सेंटेंस पासेस ऑन सम इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन इज ईदर और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव को हम
अफर्मेटिव भी कह देते हैं। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, राइट। दूसरी तरह का जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, भाई कंडीशनिंग हो गई। इंटरोगेटिव सारे कहते हैं, हम भी इंटरोगेटिव कहना शुरू हो गए। मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, एक मोहल्ले में बच्चे को नर्सरी स्कूल में दाखिल करवाने का परिवार वाले सोच रहे थे, तो मैंने एक थोड़े बड़े बच्चे को बोला, यार इस बच्चे को घर में बुला के ना रोज प्रैक्टिस करवाओ। उन्होंने एक छोटा सा अल्फाबेट का जो होता है छोटा सा कायदा हम बोलते हैं, छोटी किताब होती है, उसको लेके बैठ गया। बेटा दिस इज ए, दिस इज बी, ए फॉर आलू, बी फॉर विल्ला, ए फॉर आलू, बी फॉर विल्ला, ए फॉर आलू, बी फॉर विल्ला। वो बच्चे को कितने दिन ऐसे सी ए डी ए, और जब वो बच्चा स्कूल में गया तो टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल, बच्चा कहता ए फॉर आलू, वो कहते बी फॉर बॉय, बच्चा कहता बी फॉर बिल्ला। वो कितने दिन टीचर जो है ना उसको करेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन नहीं, बच्चे की पक्की आदत बन गई थी। इसको कहते हैं साइकोलॉजी में हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मेशन, आदत का बन जाना। हम लोग सब कंडीशन्ड हैं, वो बच्चे की कंडीशनिंग हो गई, नहीं ये तो आलू ही होगा, बी बिल्ला ही होगा, कुछ और हो नहीं सकता। तो हमें करवाया गया बचपन में, मैं भी कहता रहा हूँ बड़े साहब, जब मैंने स्पेशलिस्ट एक कोर्स किया इंग्लिश स्पीकिंग, और उसमें बड़ी बातें सीखी, नहीं नहीं आज से बहुत साल पहले, 35 साल पहले की बात है, इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से किया मैंने, अमेरिकन इंडियन कोलैबोरेशन दोनों इकट्ठे। तो हमने सीखा यार ये गलतियाँ तो करेक्ट करो, हमने की सुना, जहाँ जहाँ सुनते थे करेक्ट करने शुरू, इट बिकेम ए हैबिट, वी करेक्टेड आवरसेल्व्स, यू नो। आई बिलोंग टू वेरी वेरी एवरेज schooling background, but I've always thought I'm better than many people, chahe college mein hai chahe university mein, because mera exposure zyada tha. I had wonderful friends jo bahut acche speakers the, wonderful teachers jinko aaj bhi yaad karte hain to aankhe respect ke sath nam ho jati hain. So this is be a good listener, interrogative sentence. If statement sentence passes on information, interrogative asks for some information. बड़ी सिंपल भाषा में स्टेटमेंट सेंटेंस कुछ बताता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ पूछता है। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या कर रहे हो, पढ़ रहा हूं, क्या खा रहे हो, सेब खा रहा हूं, पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जब वो सेब खा रहा है उसके पीछे एक सवाल है, वो क्या खा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ है, यू नो, बताया गया तो उसके पीछे एक सवाल है, सवाल है तो उसके पीछे एक जवाब है। स्टेटमेंट सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे आर इंटरलिंक्ड, यू नो दैट वे, यू स्टेट देयर इज अ क्वेश्चन इन द बैकग्राउंड, यू आस्क देयर इज एन आंसर इन द बैकग्राउंड। बड़ी सिंपल सी बात है, पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के बेसिकली होते हैं, एक होते हैं ओपन क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस। जो ओपन क्वेश्चंस हैं, मैं इधर उसकी लिस्ट बना देता हूं, इसके साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। मैंने शुरू में बोला था कि मैं बेसिक ग्रामर आपको करवाऊंगा, लेट मी ऐड कि ग्रामर जो होती है, हमें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है ग्रामर, वो होती है बेसिकली
ग्रामर ऑफ राइटिंग। लेकिन किसी जमाने में होता था ये, इस बात पे जोर दी जाती थी, लेकिन आजकल कोई ध्यान नहीं देता, बिकॉज द सिलेबस, यू नो, सिलेबाई और वेरियस क्लासेस इतना बढ़ गया है कि टीचर्स के पास टाइम ही नहीं है टू इम्प्रूव देमसेल्व्स और टू इम्प्रूव द टेकर्स, स्टूडेंट्स, यू नो। ग्रामर बेसिकली दो तरह की है, ग्रामर ऑफ राइटिंग एंड ग्रामर ऑफ स्पीकिंग। मैं आपको दोनों ही करवाऊंगा। जैसे स्टेटमेंट सेंटेंस मैंने बोला, इज गोइंग टू द मार्केट। आप गौर से सुनिए, बहुत से लोग कहेंगे इज गोइंग टू द मार्केट, मैं बोल रहा हूं इज गोइंग टू द मार्केट। मैं क्यों बोल रहा हूं? दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इज गोइंग टू द मार्केट, ये ग्रामर ऑफ राइटिंग है, करेक्ट सेंटेंस, एवरी वर्ड एट इट्स प्रॉपर प्लेस। ग्रामर ऑफ स्पीकिंग जो है वो कहती है कि आप एक सेंटेंस में दो शब्द हैं या दस शब्द हैं, सारे शब्द फ्लैट तरीके से एक ही तरह से मत बोलिए। अब मुझे सुनिए, आप जैसे बोलेंगे इज गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बोलूंगा इज गोइंग टू द मार्केट, इज गोइंग, ही इज गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, ही इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा डिफरेंट है वो, क्या एक वीडियो में आपको समझाया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर ऑफ स्पीच, ग्रामर ऑफ स्पीकिंग। इसके बारे में स्कूलों में, कॉलेजेस में कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बिकॉज छोटा सा सवाल है भाई, लैंग्वेज की जरूरत क्या है, भाषा की जरूरत क्या है? भाषा की जरूरत है बेसिकली आप जो कहना चाहते हैं किसी को कह सकें, जो वो कहना चाहता है वो कह सके। अगर आपका वो पर्पस नहीं सर्व होता, इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अभिप्राय ये है इन शुद्ध हिंदी कि इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ राइट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला, एक गिवर, एक टेकर। आई एम द गिवर, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, यू आर द टेकर, यू आर लिसनिंग टू मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनमें से कोई बात ही फेल हो जाए, इसका मीन्स कि कम्युनिकेशन का जो पर्पस है, उद्देश्य जो है, वो सर्व नहीं हो रहा, मकसद नहीं पूरा हो रहा है पंजाबी। सो दैट वे यू नो भाई, क्वालिफिकेशन बहुत है, आप इंटरव्यू के लिए गए, आपको ये नहीं पता कमरे में एंटर कैसे करना, आपको ये नहीं पता बैठना कैसे, आपको ये नहीं पता गुड मॉर्निंग कैसे करना, आपको ये नहीं पता सर मैम किस वक्त कहना है, किस तरह से कहना है, आपको ये नहीं पता हाथ कहाँ रखने, आपको ये नहीं पता उठना कैसे, बैठना कैसे, स्माइल कैसे करना, आई कांटेक्ट कैसे रखना है, आपको ये नहीं पता प्रॉपरली जवाब कैसे देने हैं, आपको ये नहीं पता कि आपकी आवाज़ जो है उस पर आपका कितना कंट्रोल होना चाहिए, उसको कहते हैं फाइंडिंग योर वॉइस। ये सब बातें आपको करवाई जाएंगी, विच आई एम प्रेटी श्योर, मैंने इर्द गिर्द देखा है बहुत से लोगों को, काफी टीचर्स है, दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग, आई ट्राई टू पास इट ऑन टू यू, जितना मुझे आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एज आई हैव सेड, ग्रामर इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रामर ऑफ राइटिंग एंड ग्रामर ऑफ स्पीकिंग, ये भी आपको करवाया जाएगा। मीनवाइल पीछे की तरफ मुड़ते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस दे स्टार्ट विद ओपन क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चंस स्टार्ट विद डब्ल्यूएच वर्ड्स। मैं यहां डब्ल्यूएच वर्ड्स लिख देता हूं,
ये डब्ल्यूएच वर्ड्स आई लाइक व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ हु विच हूज whom. These are 9 WH words. Jo sentence inke saath shuru hoga usko open questions kehte hain. Why open questions? Question is one. Answers are many. Bahut se log jo hain short answer dete hain. When do you get up? 6 AM. What are you eating? Apple. What are you doing? Sleeping. Wrong. ये WH word के साथ सेंटेंस शुरू हुआ है, इसका आंसर पूरा दीजिए. इन शॉर्ट, इन इंग्लिश आई वुड से, एनी क्वेश्चन सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद अ WH word इज कॉल्ड ओपन क्वेश्चन. नंबर वन. नंबर टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट ऑलवेज, द आंसर शुड बी गिवन इन फुल सेंटेंस. नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो बाद में आपको करवाया जाएगा, बी गुड लिसनर, दैट इज यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ स्पीकिंग व्हेन यू आंसर. लिसन टू मी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रीडिंग अ नॉवल, आई एम फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर. मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली लिखने में करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ स्पीकिंग बोलने में भी करेक्ट है, बिकॉज आपसे डिफरेंट है. जो डिफरेंट होता है या किसी से नीचे होता है या किसी से ऊपर होता है, बेहतर होता है, बेटर होता है या बेटर नहीं होता. सो ट्राई टू बी गुड लिसनर्स. ओपन क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द WH वर्ड. दीज आर द WH वर्ड्स. Any sentence which starts with the WH word should be answered in full sentence. Correct? Right? Now, the second is statement sentence. Now, the second is closed question. Open and close. जो closed questions होते हैं वो helping verb के साथ शुरू होते हैं. Helping verbs क्या हैं? Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had. Can, could, may, might, सारे आ जाते हैं. अब देखिएगा, WH word के साथ शुरू होने वाले sentences को हम open questions कहते हैं. Helping verbs के साथ शुरू होने वाले sentences को हम closed questions कहते हैं. इनको हम yes, no answer sentences भी कहते हैं. Yes, no answer sentences होते हैं, आप यहां कहेंगे या ना कहेंगे, closed है. पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है. आर यू कमिंग? यस. आप चुप हो गए. आप कहिए यस आई एम. ये बात कहिए, थैंक यू. गलत. हां करना है तो यस कहिए, ना करना तो नो कहिए. नो आई एम नॉट. अगर आप नहीं कहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे सुनने वाले और बाद में आपको पछतावा होगा, बाद में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि अपनी तरफ से आपने ठीक बोला है, उनको पूरी तरह समझ नहीं आया. सो आई पुट इट वेरी सिंपली, यू नो, ओपन क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द WH वर्ड, गिव फुल आंसर. क्लोज क्वेश्चन ऑल्सो कॉल्ड यस नो आंसर सेंटेंस स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब. ऑल ऑफ यू नो द हेल्पिंग वर्ब्स. इसका जवाब हाँ में है, यस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. इज दिस अ गुड बुक? इज दिस अ गुड बुक? इज दिस अ गुड बुक? रॉन्ग. इज दिस अ गुड बुक? इज इट रेनिंग? ओ यस इट इज. नो इट्स नॉट. How's the weather? It's fine. Why yes, no? Again, listen. How's the weather? Is it raining? No, it's not.
ओ यस इट इज। ये ओपन और क्लोज्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्लोज्ड क्वेश्चंस जो हैं और दो तरह से बोले जा सकते हैं, आंसर सेम होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज एज वेल। हिंदी में मैंने आपको समझाने की कोशिश की एज वेल एज पॉसिबल। आई डू होप यू अंडरस्टैंड। इन केस नहीं है, आई शैल अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड आई विल बी ट्राइंग टू एड्रेसिंग दोज शॉर्टकमिंग्स ऑन योर पार्ट एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। Being good listeners.